तो हेलो दोस्तों, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं वीआरईएन मेडिकल स्टडी। तो हम लोगों ने इसके पिछले वाले वीडियो में देखा था, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर देखा था जो हमारा मार्च में होने वाला है, 2024 के मार्च में होने वाला है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी का यूनिट फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सबका देखेंगे। और केवल इसमें कितने होंगे, 16 क्वेश्चन, बस 16 क्वेश्चन होंगे जो कि कन्फर्म है आने ही आने हैं। ठीक है, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी। ठीक, तो देखते हैं थर्ड सेमेस्टर का माइक्रोबायोलॉजी के फर्स्ट यूनिट का क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी जल्दी में देखेंगे हम लोग, क्योंकि केवल क्वेश्चन ही देखना है इसमें। तो आप लोग स्क्रीनशॉट मार के ले सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं और यहाँ से हम लोग केवल देखेंगे क्वेश्चन। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या है, राइट इन डिटेल अबाउट स्कोप एंड एप्लीकेशन, राइट एंड डिटेल अबाउट स्कोप एंड एप्लीकेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी। ठीक, माइक्रोबायोलॉजी क्या स्कोप है, क्या एप्लीकेशन है, वो देखना है क्वेश्चन में पूरा डिटेल। ठीक है, एक्सप्लेन अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, ये दूसरा क्वेश्चन। तीसरा, डिस्क्राइब द बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व विद ऑल फेजेस एंड फैक्टर अफेक्टिंग बैक्टीरियल ग्रोथ। इसमें देखो डबल क्वेश्चन हो जाएगा, कभी कभी अलग पूछ देता है, ये अलग पूछ देता है। ठीक है, तो फैक्टर अफेक्टिंग बैक्टीरियल ग्रोथ, ओके। और चौथा क्वेश्चन है, राइट प्रिंसिपल वर्किंग एप्लीकेशन एडवांटेज डिसएडवांटेज इसका, फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी का। ठीक, तो ये चार क्वेश्चन यूनिट फर्स्ट के हम लोगों ने चुनिंदा किया। ठीक, अब यूनिट सेकंड का देख लेते हैं, अब सेकंड यूनिट का फटाक से जल्दी से देखते हैं। ठीक है, तो सेकंड यूनिट में कौन, तीन के हम लोगों ने बस तीन क्वेश्चन किया, तो उसमें चार क्वेश्चन हो गए, तीन क्वेश्चन इसमें। ठीक है, तो देखते हैं कैसे तीनों क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन सा है। सॉरी, राइट प्रिंसिपल प्रोसीजर एंड एप्लीकेशन ऑफ जेल नेल्सन स्टेनिंग। ठीक है, और ये कभी कभी ग्राम स्टेनिंग करके अलग दे दिया जाता है, तो ग्राम स्टेनिंग के अंदर ये समझ आता है। तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन को एक ही कंसिडर किया। ठीक है, दूसरा देखो, गिव द प्रिंसिपल वर्किंग एंड एप्लीकेशन ऑफ मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजर लाइक ऑटोक्लेव, ऑटोक्लेव के बारे में पूरा हम लोग लिख देंगे। ठीक है, और डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेरिलिटी इंडिकेटर्स फॉर इवेल्यूशन ऑफ स्टेरिलाइजेशन। ठीक, इसमें जैसे केमिकल व फिजिकल व जितने भी हैं, ठीक, स्टेरिलिटी इंडिकेटर सब कुछ इसमें दे दिया जाएगा। ठीक, तो यूनिट सेकंड के ये क्वेश्चन पूरा लॉन्ग क्वेश्चन। तो दोस्तों, हम लोग दो यूनिट देख चुके हैं। ठीक है, अभी कितना क्वेश्चन हुआ, 7 क्वेश्चन हुआ। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, 3 क्वेश्चन इसमें, 3 क्वेश्चन यूनिट थर्ड में, 3 क्वेश्चन यूनिट फोर्थ में, 3 क्वेश्चन। ठीक, तो अभी देखते हैं 8वां क्वेश्चन क्या, एक्सप्लेन द रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ वायरस। ठीक है, वायरस का थोड़ा रिप्रोडक्टिव साइकिल हम लोगों को देखना है, और कल्टीवेशन ऑफ वायरस और वायरस का कल्टीवेशन, एक क्वेश्चन यह है। ठीक है, और वायरस है यूनिट थर्ड का। ठीक है, राइट क्लासिफिकेशन एंड मोड ऑफ एक्शन ऑफ डिसइंफेक्टेंट एंड फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डिसइंफेक्शन। ठीक, कभी कभी ये थोड़ा अलग दे देता है 7 नंबर में, ओके। और तीसरा देखते हैं, इवेल्युएशन मेथड ऑफ बैक्टीरियो स्टैटिक एंड बैक्टीरियोसाइडल एक्शन। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन यूनिट थर्ड के हो गए। ठीक है, अब यूनिट फोर्थ के देख लेते हैं 3 क्वेश्चन कौन कौन है। डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट एंड डिजाइन ऑफ क्लीन एंड एसेप्टिक एरिया। ठीक, यानी कि एसेप्टिक एरिया के बारे में हम लोगों को इसमें देखना है। ठीक है, और डिस्क्राइब द मेथड फॉर माइक्रोबियल स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ विटामिन B12, और इसको हम लोग स्ट्रेप्टोमाइसिन भी बोलते हैं, ओके। और एक्सप्लेन डिफरेंट सोर्स ऑफ कंटामिनेशन एंड एसेप्टिक एरिया एंड मेथड ऑफ प्रिवेंशन। ठीक, ये हो गया आपका यूनिट फोर्थ का क्वेश्चन। ठीक, अब यूनिट फाइव का हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, तो कितना क्वेश्चन उसमें देख लेते हैं। तो हम लोग फोर्थ यूनिट तक देख चुके हैं। ठीक है, फिफ्थ यूनिट में 3 क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं, तो हम लोगों का पूरा 16 क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, 16 क्वेश्चन हो जाएगा, 16 क्वेश्चन हम लोग बहुत जल्दी याद कर सकते हैं 16 क्वेश्चन, ओके। तो 16 क्वेश्चन में से देखो 14वां क्वेश्चन कौन सा है, डिटेल्स अबाउट द स्पॉयलेज एंड वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग माइक्रोबियल स्पॉयलेज। जो भी माइक्रोबियल स्पॉयलेज को फैक्टर अफेक्ट करते हैं, उनके बारे में हम लोगों को अच्छे से देखना है। ठीक है, और स्पॉयलेज के बारे में थोड़ा सा लिख देना। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ एनिमल सेल कल्चर, यानी कि एनिमल सेल कल्चर जितने होते हैं उसके बारे में वो टाइप्स लिखना है। और एज द प्रोसीजर फॉर आइसोलेशन, और आइसोलेशन का प्रोसीजर देना है ऑफ सेल्स फॉर इन विट्रो कल्चर। ठीक है, इन विट्रो कल्चर्स के लिए। ठीक है, हाउ टू प्रिजर्व फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, ये 16वां आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, हाउ टू प्रिजर्व फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स विथ द हेल्प ऑफ एनिमल एंटीमाइक्रोबियल एजेंट। ओके, तो ये हम लोगों का 16 क्वेश्चन हो गया। सो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।